तो आज की जो वीडियो है वो आपके या आपके किसी दोस्त के बहुत काम आ सकती है, एंड तक देख लेना, समझ लेना, स्किप मत करना। ये एक क्रिएटिन है मेरे पास और इसमें कुछ खास बात है। खास बात क्या है पहले पी लूँ फिर बताता हूँ। और इसकी मैं, ये पूरा नया पैक है राइट, और इसको खोलने वाला हूँ पहली बार। ऑलराइट, पहली बार खुला है ये। ओके, तो चलो 5 से 6 ग्राम क्रिएटिन यूज़ करता हूँ पोस्ट वर्कआउट में, वो करने वाला हूँ। एक स्कूप में 4 ग्राम आया है, थोड़ी हाफ स्कूप और ले लेता हूँ। नो चीटिंग, 5 ग्राम देख लो, ठीक है। ओके, इसका थोड़ा बकबका टेस्ट होता है क्रिएटिन का, उसको मुंह से हटाने के लिए थोड़ा सा जूस। बाय द वे, ये मसाला फ्लेवर है, गावा आजकल नया है, अच्छा है, अच्छा लगता है मुझे थोड़ा सा। ऑलराइट, बातें होगी बहुत। अब इस क्रिएटिन की खास बात क्या थी, इस क्रिएटिन की खास बात ये थी कि ये एक्सपायर्ड है। ओके, बाकी की वीडियो शाम को शूट कर रहा हूँ। तो पीने के बाद एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। जब आप कभी भी पुराना या इनफैक्ट कई बार नया भी हो क्रिएटिन निकालेंगे, तो उसमें ऐसे पंजाबी जी कहने हैं डले या लम्प्स आपको दिख सकती हैं, इवन दो ये वेरी ड्राई है, इवन दो ये ड्राई है। और लोगों को लेकिन ये डाउट रहता है कि यार क्या ये ठीक है, लम्प्स बन गए या खराब हो चुका है। देखो, अगर ड्राई है तो देर इज नो प्रॉब्लम, एंड देर इज वन वेरी ग्रेट सोल्यूशन विच आई यूज, लेट मी शो यू। मैं इसको सिंपली ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करने वाला हूँ। देखिए 10 सेकंड में इसमें से धुआं आने लगा जैसे भभूति होती है, और ये पूरा पाउडर बन चुका है, ठीक है। जो प्रोडक्ट को अभी आप फेंकने वाले थे वो पूरा एग्जैक्ट न्यू कंडीशन में दोबारा आ चुका है, इसको कुछ नहीं हुआ है, कम्प्लीटली फाइन इट इज। तो बस इसका मतलब यही था इन्फॉर्मेशन देने का कि दोनों चीज़ें क्रिएटिन में लम्प्स बनती हैं, वो उसको आप ग्राइंड कर सकते हो, कम्प्लीटली इट्स फाइन टू कंज्यूम एंड एक्सपायर्ड है तो भी। देखो मैं कंज्यूम करता हूँ, मेरे नॉन जितने भी हैं उनको मैं बताता हूँ, वो भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आती है। बाकी सवारी अपने सामान की आप जिम्मेदार है, ठीक है। कल को क्या होता है, आज से मुझे याद है 2 साल पहले मैंने बनाई थी कि वे प्रोटीन भी इनफैक्ट अगर ड्राई है तो आप उसको यूज़ करते हो, देर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई उसमें गंदी स्मेल नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा। और एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पता क्या किया, मेरे पे वीडियो बना दी कि एक्सपोज दमन सिंह एक्सपोज लोगों को एक्सपायर्ड प्रोटीन खाने के लिए बोल रहा है। और वो पाकिस्तानी यूट्यूबर अभी कहीं पर नहीं है, वो चैनल उसका चला ही नहीं कभी। उसने सोचा कि एक्सपोज वीडियो बनाऊंगा चैनल चल पड़ेगा, ऐसा बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये सब चीज़ें मत किया करो, घटिया काम। और मेरा मकसद यही था कि आप अपना हार्ड अर्न मनी वेस्ट ना करो, अगर जस्ट बिकॉज एक्सपायर हो गया है कि आप सोचो कि फेंक देता हूँ इसको या नॉट गुड टू कंज्यूम, नो सच प्रॉब्लम, यस यू कैन कंज्यूम इट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना, ताकि और ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं मैं। थैंक यू वेरी मच। I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off.